वो खबरें जो आप पर और हम पर करती हैं सीधा असर। चलिए डालते हैं नजर इसी तरह की बड़ी खबर पर। निर्भया की मां ने जब बताई कि उनकी बेटी की आखिरी इच्छा क्या थी, उनकी आंखों में से आंसू झलक आए। उनकी बेटी जब जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी, लेकिन उस वक्त भी उसे अपने शरीर के दुख से ज्यादा उस दुख का एहसास था जो इन दरिंदों ने उन्हें पहुंचाया था। और जो हैवानियत का खेल उस रात खेला गया, तो उसकी आत्मा इस घटना से बाहर नहीं निकल पा रही थी। मरते वक्त भी उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि इन दरिंदों ने जो किया है, जीते जी उनको वो सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि आगे कोई भी किसी लड़की के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी ना कर सके, किसी लड़की को उसके लड़की होने का इतना बड़ा पाप ना दे सके जो इन्होंने दिया है। समाज में लड़कियों की इज्जत को ही लड़कियों के लिए जिम्मेदार समझा जाता है, चाहे इसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो। जो चारों ने उसके साथ खिलवाड़ किया है और इसके बाद उसके शरीर को भी तोड़ फोड़ दिया है। आप ही देखिए कितने हैवान थे लोग, और उसकी सजा भुगती उस लड़की ने। और इसके बाद मरते वक्त उसने आंसू से भरी हुई चेहरे में कहा था अपनी माँ से कि मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें सजा जरूर दिलवाना। वही माँ आज भी उन आंसुओं को याद करते हुए, तड़पती हुई बेटी को याद करते हुए, उसके टूटे फूटे शरीर पर जख्म भरे शरीर को याद करते हुए लगातार इंसाफ के लिए भटक रही है। हालांकि चार बार फांसी का फैसला आ चुका है, तारीख आ चुकी है, खाली नहीं हुई है तो फांसी नहीं हुई है। अगली तारीख आई है 20 मार्च। बस अब चाहती है कि उसकी बेटी की आखिरी इच्छा यही थी कि इन दरिंदों को ऐसी फांसी हो कि कोई किसी दूसरी लड़की के साथ, किसी और की बेटी के साथ, किसी और की माँ बहन के साथ इतना बड़ा अत्याचार ना कर सके।